Minister G. Kishan Reddy also joins us on this broadcast. Let's take this forward with the Union Minister. Mr. G. Kishan Reddy, your response to the farmhouse scandal? That's the first question. फार्म हाउस में कौन गया? हमारा पार्टी जेने के लिए किसको अधिकार दिया नहीं, कौन गया पता नहीं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और क्यों चार एमएलए उधर गया, इलेक्शन कैंपेन जोड़ के इधर क्यों आया, मेरे को संबंधित नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, मेरा पार्टी में अगर शामिल करवाने तो फार्म हाउस में क्यों चर्चा करता हूं, बाजाबता ओपनली चर्चा करता हूं, आपके मीडिया के सामने मैं डिक्लेयर करता हूं। हम पैसे देके लेने का जरूरत नहीं है, वो टीआरएस सरकार गिरने वाले नहीं है, अभी बीजेपी सरकार आने वाले नहीं है। मेरे पास उतने पैसे नहीं है, हमारा पार्टी का आदत भी नहीं है ऐसा पैसे लेकर पार्टी में शामिल करने का। हमारा मोदी साहब किसको अधिकार भी नहीं दिया, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारा आइडियोलॉजी भी नहीं है वो। तो आप कहना चाह रहे हैं कि के चंद्रशेखर राव है, ये उनकी साजिश है? क्योंकि 400 करोड़ का बात कर रहे हैं, एक नेशनल पार्टी के ऊपर आरोप कर रहे हैं, एक सरकार गिना का षड्यंत्र का बात कर रहे हैं, इसलिए हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए, ये पूरे लोगों को वास्तविकता बताना चाहिए। मैं यही बताना चाहता हूं, एक हफ्ता पहले केसीआर का बेटा हमारा पार्टी का नेता जो उपचुनाव हो रहे उसके बारे में बातचीत करते हुए आप बीजेपी छोड़ के हमारा पार्टी में, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा वीडियो बताया उनका, ऑडियो भी बताया मैं उनका, केटीआर का बेटा का आवाज भी बताया कैसा वो हमारे को फोन करके हमारे नेता को, आप टीआरएस में आ जाओ ऐसा बोले। सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, आज नहीं 12 एमएलए कांग्रेस का शामिल हो गया, उनको मिनिस्टर बनाया, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। केसीआर किस किस को पैसा दिया, केसीआर किस किस को मिनिस्टर बना तुम बोले, किस किस को कॉर्पोरेशन का चुनाव दे तुम बोले, केसीआर किस किस को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तेलंगाना में। इनमें से जो एक गिरफ्तार थे वो उनका फोटोग्राफ आपके साथ मिला है, तो आप उस बाबत में क्या कहना चाहोगे? मैं आज भी रिलीज किया हूं, जो आदमी है वो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है, वो केसीआर का बेटे के साथ फोटो है, केसीआर दामाद के साथ फोटो है, और केसीआर पार्टी के जो चार एमएलए कल थे उसके साथ भी, पहले उनके परिवार के साथ फोटो है, केसीआर का दूसरा एमएलए के साथ फोटो है, हमारा फोटो एक ही है, मगर केसीआर का हजारों फोटो उनके साथ है, इसीलिए उसके ऊपर भी डिस्कशन को तैयार है, इन्वेस्टिगेशन को भी तैयार है। मैं इस सिटी का हैदराबाद सिटी से 3 बार एमएलए था, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, उनका एक रेस्टोरेंट पे मैं एक टीआरएस एमएलए उद्घाटन पे गए, उसका एक फोटो है, मैं हजारों जगह जाते रहता हूं ऐसा। ये जो मुनुगोड़े का बायपोल है वो इतना बड़ा डील क्यों है आपके हिसाब से? तेलंगाना में दिन दिन टीआरएस पार्टी का ग्राफ गिर जा रहे हैं, तेलंगाना में टीआरएस का परिवार राज्य के खिलाफ तेलंगाना के जनता आवाज उठा रहे हैं, वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, सभी लोग परिवार राज्य के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अभी जितने भी चुनाव हुआ है, एक हुजराबाद में रिसेंटली हम जीते हैं, उससे पहले दुबाक में हम जीते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में उनका बहुत कम सीट मिला है, अभी ये चुनाव में भी सर्वेस में भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे ऐसे पूरा आए, इसीलिए मुख्यमंत्री खुद एक सीट में बैठे हैं, मुख्यमंत्री बेटा एक पोलिंग बूथ में बैठे हैं, और पूरा एमएलए टीआरएस का एक एक पोलिंग बूथ में एक एक गांव में बैठे हैं, पूरा एक एक एमएलए साथ 200-300 लोग 20-40 गाड़ियां लेके आज मुनगोड़ में गए हो, हजारों कार से दिखते रहते हैं पिंक कलर डालते हुए, क्योंकि अगर ये चुनाव हार गया, अभी वो सामान निकालकर जो ऑफिशियल सीएम घर से निकालकर फार्म हाउस से जाना पड़ेगा, इसलिए वो सोच रहे इस चुनाव कैसा भी जीतना चाहिए, इसके लिए भी ऐसा एक षड्यंत्र आदत है उनका, वो षड्यंत्र का रचना कर रहे हैं।